एक एक क्वेश्चन वन एट अ टाइम। यार हवा भी नहीं है। मैं कैमरा देख के मेरा दिमाग घूम जाता है। इंग्लिश में बोलना है, हिंदी में बोलना है। अरे यार प्लीज। लड़ाई को लगाई बोल रही थी मैं। देख नहीं, फिर से। हेलो, आई एम पूजा जायसवाल। आई एम अ साइंस फैकल्टी इन एसएससी डिपार्टमेंट। हाय, दिस इज प्रियंका सिंह हियर, फिजिक्स फैकल्टी विद लर्न विद अ स्माइल। माय नेम इज सिमरन गुप्ता एंड आई एम एचआर एट लर्न विद अ स्माइल। हेलो, आई एम प्रियंका, इंग्लिश फैकल्टी एट लर्न विद अ स्माइल। आई एम अपर्णा बाजपे, करिकुलम लीड एट लर्न विद अ स्माइल। हेलो एवरीवन, आई एम शिवांगी एंड आई एम वीडियो एडिटर एट लर्न विद अ स्माइल। वुमेंस डे हमको सेलिब्रेट करना चाहिए सो दैट जो भी हमको वैल्यूज मिले, जो हमको कल्चर मिली है, वो मेन वुमेन से ही मिली है। इसलिए वी रिक्वायर्ड अ डे टू सेलिब्रेट एंड ब्रिंग देम अप फ्रंट टू स्पीक आउट, टू स्पीक अप फॉर देमसेल्व्स। इस दिन वुमेन्स को अवार्ड किया जाता है उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए, उनके अचीवमेंट्स के लिए और जो भी उन्होंने सेक्रीफाइसेस करे हैं हमारी सोसाइटी के लिए। But I think this one day is not enough because each and every day is International Women's Day. I believe जिस तरीके से इस दिन वुमेन्स को सेलिब्रेट किया जाता है, इसी सेम तरीके से वुमेन्स को रिस्पेक्ट किया जाए बाकी के सारे दिन भी। We celebrate International Women's Day to cherish womanhood. हमारे शास्त्रों में भी नारी को हमेशा से पूजा जाता है। एशियन सोसाइटी में भी वुमेन को बहुत ही अच्छा दर्जा मिला था। मेरे हिसाब से हमारी कंट्री में जितनी भी इन्वेजन्स हुई हैं, बीट तुर्क्स, बीट मुगल्स, बीट ब्रिटिशर्स, जितने भी इन्वेडर्स हमारी कंट्री में आए हैं, उन्होंने हमारी कल्चर और हमारी ट्रेडिशन पे बहुत असर डाला है। और नॉट इवन कल्चर और ट्रेडिशन, हमारी एजुकेशन सिस्टम पे भी। और इन सब चीज़ों के कारण सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट पड़ा है वो हमारी विमेन कम्युनिटी पे पड़ा है। आज के टाइम पे कुछ ऐसी विमेन हैं जिन्हें अपने बेसिक राइट्स ही नहीं पता हैं। वहाँ पे विमेन्स जो है वो विक्टिम हुई इलिटरेसी की, अर्ली एज मैरिज की और सोशल इनजस्टिस की। बट वुमेन ऑफ टुडे लाइक मी, लाइक ऑल ऑफ द वुमेन हु आर वर्किंग इन माय इंस्टीट्यूशन, दिस इज वेरी स्मॉल इंस्टीट्यूशन बट टेक इट टू अ लार्जर एक्सटेंट, टॉक अबाउट इंटरनेशनल फोरम्स, टॉक अबाउट G20 समिट्स, talk about any sports, you will find women everywhere. और यहाँ तक पहुँचने के लिए women ने बहुत सारे odd beliefs से लड़ाई करी है तभी वो यहाँ तक पहुँची हैं। It is just a matter of belief कि आप चाहे तो आप रानी लक्ष्मीबाई या अहिल्याबाई जैसे भी बन सकते हैं, आप चाहे तो आज के जो women हैं सुषमा स्वराज और माधवी पुरी जैसे भी बन सकते हैं। You should be aware of your rights और मैं एक ही बात कहूँगी, that raise voice rather than tolerating things. आई थिंक वुमेन होना ही बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि जो लाइफ सस्टेन कर रही है इस अर्थ में वो वुमेन की वजह से ही कर रही है। सी एज अ वुमेन, वुमेन आर बेसिकली मदर्स बाय नेचर, सो माय कंट्रीब्यूशन इज विल बी टू रेज आवर चिल्ड्रन वेल, मेक देम अ गुड ह्यूमन बीइंग। बीइंग एन इंडिविजुअल वुमेन एंड एचआर बाय प्रोफेशन, I provide safer and hygiene workplace to all my female employees as well as generation of employment with no gender bias. मैं बहुत खुश हूँ कि मैं education field में हूँ और मैं बाकी सारे लोगों को educate कर रही हूँ। And education, it does not come only from the books. It comes from the feeling of knowing yourself. और सबसे पहले मुझे खुद से ये starting करनी पड़ेगी कि मेरे जो rights हैं वो secure रहे, मैं उन rights को पहचान पाऊँ, उनके लिए fight कर पाऊँ या फिर कोई भी social injustice की victim ना बनूँ। If I am able to motivate even a single woman in the society, that will be the best contribution from my side to the society. I would rather talk about what is not feminism. To falsely compete with certain traits or characteristics of your counterparts is absolutely not feminism. To every time teach a man what he should do and what his duties are is not feminism. I think feminism is all about cerebral equality. So, हमारे मन में अभी भी ऐसा है हमारी सोसाइटी में कि वुमेन को एज अ ब्रेड अर्नर या एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन इन इकोनॉमी हम अभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। It gives respect, self-dependency to the woman, also promote करती है equality
एंड अश्योरिटी देती है कि आगे लाइफ वुमेन के लिए भी अच्छी हो सकती है. फेमिनिज्म इज दैट वी शुड बी फाइटिंग टू बी अ मैन टू गेन रिस्पेक्ट. यानी कि हमें आदमी होने की जरूरत नहीं है फॉर गेनिंग रिस्पेक्ट. इसमें एक सेकेंड क्लॉज भी है. एक मेल बाहर जाता है, पैसे कमाता है, घर का ब्रेड अर्नर है, तो उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है. वहीं अगर हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, अगर वो होम मेकर हैं, वो घर पे रह के घर संभालती हैं और हमारे मकान को घर बनाती हैं, तो उनकी जाने अनजाने में बेइज्जती कर दी जाती है, या कि तुम कमा के नहीं लाती हो, तुम पैसा नहीं कमाती हो, तो पॉसिबली कि हम उनको इनडायरेक्टली हम उनको शेमफुल महसूस कराते हैं. ये एक इक्वालिटेरियन सोसाइटी है, सबको बराबर इज्जत का हक है. फेमिनिज्म बेसिकली मींस इक्वालिटी. फेमिनिज्म का ये मतलब नहीं है कि जो वुमेन है वो मैन के नीचे है या मैन के ऊपर है, बल्कि फेमिनिज्म का मतलब है कि मैन एंड वुमेन को इक्वल राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाए. जिस तरीके से एक मैन अपनी लाइफ की डिसीजंस ले सकता है, उसी तरीके से वुमेन्स को भी पूरा राइट दिया जाना चाहिए अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने के लिए. That's all. Happy International Women's Day to all the beauties out there.